हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, आई वेलकम यू इन टुडेज इंग्लिश लिटरेचर लेक्चर। टुडे वी विल कंटिन्यू द स्टोरी द होम कमिंग। आई शिल स्टार्ट विद इट्स 5th पार्ट। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, her anger was changed to surprise, for she recognized her brother and cried, "Why, Dada, where have you come from?" As she said these words, she bowed to the ground and touched his feet. Her brother had gone away soon after she had married, and he had started business in Bombay. His sister had lost her husband while he was in Bombay. Bishamber had now come back to Calcutta and had at once made inquiries about his sister. He had then hastened to see her as soon as he found out where she was. लेकिन जब उसकी माँ ने पीछे कदम हटाए और उस अजनबी की ओर देखा तो उसका क्रोध आश्चर्य में बदल गया, क्योंकि वह अपने भाई को पहचान गई थी और वह चिल्लाकर बोली, क्यों दादा, तुम कहाँ से आ रहे हो? जैसे ही उसने इन शब्दों को कहा, वैसे ही वह जमीन की ओर झुकी और उसके पैर छुए। उसके विवाह के शीघ्र पश्चात ही उसका भाई चला गया था और उसने मुंबई में व्यापार शुरू कर लिया था। जिस समय वह मुंबई में ही था, उसी समय उसकी बहन के पति गुजर गए थे। विशंबर अब वापस कोलकाता आ गया था और उसने तुरंत ही अपनी बहन के बारे में पूछताछ की थी। जैसे ही उसे पता लगा कि वह कहाँ है, वैसे ही जल्दी से वह उससे मिलने के लिए चल पड़ा था। तो बच्चों, आपको याद है कि पिछले उसमें कहाँ लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक स्ट्रेंजर बोट से उतरा, उसने फटिक से पूछा कि चक्रवर्तीज कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ है। तो उसने उन्हें ठीक से बताया नहीं और कहा कि वो खुद ढूंढ ले। तो चक्रवर्तीज जो थे वो फटिक चक्रवर्ती का घर ही पूछ रहे थे और ये उसके मामा जी थे जो अपने बहन के परिवार से मिलने आए थे। नेक्स्ट फ्यू डेज वेयर फुल ऑफ रिजॉइसिंग। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज। ही वॉज टोल्ड बाय हिज सिस्टर दैट फटिक वॉज अ परपेचुअल न्यूसेंस। ही वॉज लेजी, डिसोबीडियंट एंड वाइल्ड, बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, एज क्वाइट एज अ लैम्ब, एंड very fond of reading. Bishamber kindly offered to take Fatik off his sister's hands and educate him with his own children in Calcutta. The widowed mother readily agreed. When his uncle asked Fatik if he would like to go to Calcutta with him, his joy knew no bounds, and he said, "Oh yes, uncle," in a way that made it quite clear that he meant it. अगले कुछ दिन आनंद से भरे हुए थे। भाई ने दोनों लड़कों की पढ़ाई लिखाई की जानकारी मांगी। उसे उसकी बहन के द्वारा यह बताया गया कि फटिक लगातार ही दुखदायी प्राणी हो गया है। वह आलसी है, कहना नहीं मानता है और असभ्य है, लेकिन माखन ऐसा अच्छा है जैसे सोना हो, ऐसा शांत है जैसे कोई भेड़ का बच्चा हो, और पढ़ाई में भी बड़ी रुचि लेता है। विशंबर ने दया भाव से अपनी बहन से फटिक को अपने साथ ले जाने और कोलकाता में अपने बच्चों के साथ उसे पढ़ाने का प्रस्ताव रखा। जब फटिक ने यह सुना तो उसके आनंद की कोई सीमा न रही और वह बोला, अरे हाँ मामा। एक प्रकार से उसने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वह भी यही चाहता है।
तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। थैंक यू।